छात्रों एवं छात्राओं, ये कक्षा शिक्षा शास्त्र विषय बीए प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए है। इस कक्षा में हम पेपर प्रथम के बारे में पढ़ रहे हैं। विषय हमारा शिक्षा शास्त्र, पेपर हमारा फर्स्ट, क्लास है हमारी बीए फर्स्ट ईयर। आज हम लोग लेक्चर नंबर 4 यानी कि आपकी क्लास, हम चौथी क्लास पढ़ रहे हैं। लेक्चर नंबर 4 है हमारा। इसके पहले हम लोग 3 लेक्चर्स पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने लगातार पहले लेक्चर में इंट्रोडक्शन ऑफ सिलेबस, जो आपका सिलेबस और एग्ज़ाम का पैटर्न है, उसका इंट्रोडक्शन ले चुका हूँ या मैं आपको दे चुका हूँ, आप समझ चुके हैं उसे। फिर जो लेक्चर नंबर 2 था, उसके द्वारा मैंने आपको बताया शिक्षा का अर्थ। अगली क्लास में आपने पढ़ा शिक्षा की प्रकृति, और अब आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, शिक्षा के उद्देश्य। ठीक है, क्या पढ़ेंगे आज की क्लास में, शिक्षा के उद्देश्य। शिक्षा के आज की कक्षा का टॉपिक रहेगा शिक्षा के उद्देश्य। देखिए, शिक्षा का अर्थ जानने और उसकी प्रकृति को समझने के बाद अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आ चुके हैं, जो कि हमारा टॉपिक है शिक्षा के उद्देश्य। अर्थात एक बालक को जब शिक्षा दी जाती है तो उस शिक्षा को देने के क्या उद्देश्य होते हैं। ठीक है, क्यों उसे शिक्षा दी जा रही है या क्यों उसके लिए शिक्षा की व्यवस्था की जा रही है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। इसके पीछे क्या उद्देश्य हैं, हमें इसे भी जानना आवश्यक है। ठीक, तो इसके पीछे के उद्देश्य आप बहुत बेहतर तरह से जानते हैं। आपके माता पिता आपको क्यों पढ़ा रहे हैं, कि आप पढ़ लिख कर अच्छे इंसान बनो। हम अपने किसी भी बड़े बुजुर्ग की बात सुनते हैं तो वो हमसे यही सलाह देते हैं कि बेटा पढ़ो लिखो और अच्छे इंसान बनो, अपने माता पिता का ख्याल रखो, ठीक है, और साथ साथ अपने छोटे भाई बहनों का भी ख्याल रखो। ठीक है, तो ये सिंपल सी लाइन है जो हर छात्र को, हर बच्चे को अपने जीवन में अपने बड़े बुजुर्गों, अपने माता पिता से ये बात सुनने को मिलती है। तो ये जो उनकी जो ये बात है, ये जो उनका सुझाव है, यही एक तरह से कह सकते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य है। मेरी बात समझ पाए, यही शिक्षा प्रदान करने का उद्देश्य है। एक जर्नल लैंग्वेज में कह लीजिए, एक आम बोलचाल की भाषा में कह लीजिए, तो यही शिक्षा का उद्देश्य है कि एक बालक अपने जीवन में क्या अच्छे से जीविकोपार्जन कर पाए, अपना सामाजिक विकास कर पाए, शारीरिक विकास कर पाए, अपने पूरे परिवार को संभाल पाए, ठीक है, अपने देश का एक अच्छा नागरिक बन पाए। अगर ये सारी चीज़ें वो प्राप्त कर पा रहा है तो यही तो शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। यही तो है कि उसे शिक्षा प्रदान करने से, उसे शिक्षा देने से यही तो हमें खास फायदा हुआ। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं, इसे ही कहा गया है शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य। इन्हीं के बारे में हम आज चर्चा करेंगे, और इनमें मैं आपको कुछ पॉइंट्स यहाँ पर आपको पॉइंट आउट करूँगा। उन पॉइंट्स को मैं आपको डिस्क्राइब भी करता जाऊँगा, जिन्हें आपको अपने नोट्स पे भी लिखना है और उन्हीं के माध्यम से इस टॉपिक को याद रखना है। ठीक है, तो शिक्षा के उद्देश्य में सबसे पहला उद्देश्य हम लोग समझते हैं, शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य। शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य, शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य क्या है बालकों, ये भी जरा समझ लो भाई कि शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य क्या है। देखो बेटा, शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य से मतलब ये होता है कि व्यक्तिगत मतलब पर्सनल, ठीक है, तो एक छात्र के जीवन में शिक्षा के उसके लिए क्या उद्देश्य है, मतलब वो शिक्षा क्यों ग्रहण कर रहा है। तो जो अभी मैंने बात आपको सामान्य बोलचाल वाली बात बताई कि सामान्य बोलचाल की भाषा में शिक्षा के क्या उद्देश्य होते हैं और क्या कहा जाता है शिक्षा को, यही व्यक्तिगत उद्देश्य है। मतलब जैसे मैं अपनी बात करूँ, मेरे शिक्षा ग्रहण करने का क्या उद्देश्य है, मेरे शिक्षा ग्रहण करने का उद्देश्य था कि अपने से अपना रहन सहन, बोलचाल, अपनी संस्कृतियों का ज्ञान,
अपना आचार विचार, इन सारी चीज़ों का हमें मुझे अच्छे से ज्ञान हो जाए, उसके साथ साथ मैं अपने से बड़ों का आदर सम्मान करना सीख सकूं, अपने से छोटों को प्यार से बात करना सीख सकूं, ठीक है। ये भी मेरा शिक्षा का उद्देश्य था, ये मेरा व्यक्तिगत है, ठीक है। और साथ ही साथ शिक्षा प्राप्त करने के बाद आगे चलकर मैं जीविकोपार्जन कर सकूं, अर्थात पैसे कमा सकूं, ये भी मेरा शिक्षा का उद्देश्य है। शिक्षा के द्वारा मैं समाज में सभी लोगों के साथ एक समरसता का भाव, एक समायोजित होकर मैं समाज के साथ चल सकूं, ये भी शिक्षा का उद्देश्य है। तो और उसके बाद मैं अपने आप को शारीरिक रूप से स्वस्थ रख सकूं, ये भी शिक्षा का उद्देश्य है। तो ये जो भी बातें हैं, ये क्या हैं, ये शिक्षा के उद्देश्य के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत आती हैं, शिक्षा के उद्देश्य के अंतर्गत आती हैं। तो ये जो है, ये शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य हैं, यानी पर्सनली एक छात्र के जीवन में शिक्षा के क्या उद्देश्य होने चाहिए उनके बारे में, ठीक है ना। तो शिक्षा के उद्देश्य में पहला उद्देश्य मैंने क्या बताया, शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य। तो व्यक्तिगत उद्देश्य अर्थात छात्र के जो स्वयं के व्यक्तिगत या उसके उसको विकसित करने के लिए, उसके भले के लिए जो भी बातें होती हैं, जो भी कार्य किए जाएँ, या जो भी उससे जिस भी कार्य से उसका भला हो, वही तो उसके व्यक्तिगत उद्देश्य होते हैं, ठीक है। जैसे कि शारीरिक विकास, मानसिक विकास, बौद्धिक विकास, ये सब क्या है, ये उनका व्यक्तिगत उद्देश्य है, ठीक है। इसके बाद दूसरी बात है सामाजिक उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य। देखिए, सामाजिक उद्देश्य का मतलब है यहाँ पर कि जो बालक है वो पैदा तो अपने परिवार में होता है, लेकिन परिवार के बाहर जब वो निकलता है, एक समाज के टच में आता है, तो उसका क्या कर्तव्य होता है, उसका कर्तव्य ये बनता है कि अपने समाज में वो सभी के साथ सभ्यतापूर्ण आचरण करे, क्या करे, सभी के साथ सभ्यतापूर्ण आचरण करे, एक सभ्य नागरिक की तरीके जिए, ठीक है। समाज में अपने से बड़ों का आदर सम्मान करना सीखे, ईमानदारी से रहे, कोई भी काम बेईमानी झूठ इन सारी बुरी आदतों में ना फंसे, बुरी संगतों में ना रहे, जिससे कि उसका और उसके परिवार का दोनों का जो नैतिक और चारित्रिक पतन ना हो, ठीक है। तो जिससे कि देखिए, जब हर छात्र को हम इस तरह का, या हर बालक को हम इस तरह का ज्ञान दें कि वह अपने समाज के साथ समायोजित होकर चलना सीख सके, अच्छी समझ रख सके, तो आप तो क्या इससे हमारा जो पूरा समाज है, क्या पूरा समाज नहीं सभ्य हो जाएगा, पूरा समाज सुंदर हो जाएगा, पूरे समाज में सभी एक दूसरे का आदर सम्मान करेंगे, पूरे समाज में सभी ईमानदारी से अपना कार्य करेंगे। तो हमारा जब समाज पूरा एक सही राह पर आगे बढ़ेगा, तो हमारा देश भी सही राह पर आगे बढ़ेगा, और जिससे कि हम विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आएंगे, ठीक। तो ये शिक्षा प्रदान करने के ऐसे उद्देश्य कहे जाएंगे, इन्हें कहा जाएगा सामाजिक उद्देश्य। एक समाज के लिए, समाज को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार के जो भी हम बच्चे को सिखाने का प्रयास करेंगे, जो भी हम बालक को सिखाने का प्रयास करेंगे, वो सामाजिक उद्देश्य के अंतर्गत आएगा, जो कि समाज के लिए हितकर है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं शिक्षा के नैतिक उद्देश्य, शिक्षा के नैतिक उद्देश्य। नैतिक उद्देश्य से क्या मतलब है, देखिए, नैतिक यानी कि मॉरल पर्पस क्या है। देखो, शिक्षा के नैतिक उद्देश्य का यहाँ पर मतलब है बेटा कि आपकी जो नैतिकता है, नैतिकता का मतलब आप समझते हो ना, मॉरल वैल्यूज, जैसे कि ये जो अपने माता पिता का आदर करना, सभी अपने से बड़े बुजुर्गों को अपने परिवारी जन के जैसे मानना, जैसे आपने रास्ते में किसी भी बूढ़े व्यक्ति को देखा तो बाबा जी बोलते हैं, दादा बोलते हैं, तो क्या है ये, हम इनको अपने ही दादा बाबा के समान एज ग्रुप का देखकर उन्हीं के अनुसार तो हम उनके साथ आचरण करते हैं। तो हमारा आचरण सबके साथ कैसा होना चाहिए, ये हम कहाँ सीखते हैं, ये अपने घर और विद्यालय में सीखते हैं, ठीक। तो ये तो आदर सम्मान की बात हो गई।
अपने काम के प्रति निष्ठावान रहना, ईमानदारी से अपना काम करना, चोरी चकारी ना करना, किसी का बुरा ना करना, क्योंकि हमें पता है कि हम अपने भले के लिए यदि किसी दूसरे का बुरा कर रहे हैं तो ये नैतिक रूप से बिल्कुल गलत है। ठीक है, अगर हमारे सामने कोई लाचार है और हम उसकी मदद कर सकते हैं और हमारे कार्य क्षेत्र में है या हमारी क्षमता में है उसकी मदद कर पाना, तो हम कर रहे हैं उसकी मदद, तो ये भी तो हमारी नैतिकता ही है। ठीक है ना, हम किसी का बुरा नहीं चाहते, ठीक है, और किसी से अपशब्द नहीं कहते, ठीक, हम गलत कार्यों में लिप्त नहीं होते, ये भी तो हमारी नैतिकता ही है। ठीक है, तो शिक्षा के नैतिक उद्देश्य का ये मतलब है कि आपका जो नैतिक और चारित्रिक विकास हो ये भी बेहतर हो, अच्छा हो, ये भी एक शिक्षा प्रदान करने का उद्देश्य होता है। अर्थात एक बालक को शिक्षा प्रदान करने का एक यह भी उद्देश्य है कि उसका नैतिक और चारित्रिक विकास भी हो। ठीक है, इसके आगे देख लेते हैं, नैतिक उद्देश्य के बाद में आर्थिक उद्देश्य। शिक्षा के आर्थिक उद्देश्य, आर्थिक उद्देश्य से बेटा यहाँ कहने का मतलब है कि आर्थिक यानी अर्थ, अर्थ मतलब पैसा। तो शिक्षा प्रदान करने का या शिक्षा देने का, बालक को पढ़ाने लिखाने का एक उद्देश्य यह भी है कि वो अपने जीवन में क्या कर सके, अपना जीवन यापन कर सके। कैसे कर सके, पैसे कमा कर। पैसे कम, देखो जीवन यापन करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट वो रोटी कपड़ा और मकान है, ठीक है, स्वास्थ्य शिक्षा ये भी है, लेकिन ये सारी चीज़ों की व्यवस्था बिना अर्थ के नहीं हो सकती, अर्थ अर्थात पैसा। तभी यहाँ आर्थिक उद्देश्य मतलब शिक्षा का एक उद्देश्य भी है कि पैसे किस तरह से कमाए जाए, किस तरह से पैसे कमाए जाए, ठीक है ना। तो उसके लिए बच्चे को हमने पढ़ाया, समझाया, लिखाया, पढ़ाया लिखा कर उसे हमने इस काबिल बनाया कि अब वो अपने रुचि का कोई रोजगार ढूंढ सके, कोई नौकरी पा सके। नहीं नौकरी मिली तो कोई उसको कुछ कौशल ऐसा सिखाया कि उस कुशलता के कारण उसने अपने लिए स्वयं रोजगार सृजित कर लिया और पैसे कमाना शुरू कर दिया। ठीक है, एक स्किल्ड लेबर और एक अनस्किल्ड लेबर में यही डिफरेंस होता है। ठीक, देखिए हर किसी को नौकरी मिल जाए ये संभव नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को मिलती है, जिनको नहीं मिल पाती वो कोई ना कोई रोजगार में लग जाते हैं। ठीक है, कोई ना कोई कार्य करना शुरू कर देते हैं, कोई ना कोई स्किल होती है उनके पास, उस स्किल के द्वारा वो अपना रोजगार ढूंढ लेते हैं। ठीक है, तो शिक्षा देने का एक यह भी उद्देश्य है कि बच्चा बड़ा होकर पढ़ लिख कर अपना जीवन यापन करने के लिए पैसे भी कमा सके। ठीक है, इस क्षेत्र में जैसा आप जानते हो कि विभिन्न प्रकार के वोकेशनल कोर्स, टेक्निकल कोर्स, ठीक है ना, डिग्री कोर्सेज, ये जो करवाए जाते हैं इनका क्या अर्थ है? इनका अर्थ ये है कि बालक अन्य ज्ञान के साथ साथ कुछ चीज़ों का टेक्निकल ज्ञान भी उसको होता जाए, कुछ कोई ना कोई चीज़ का वो स्किल भी सीखता जाए, जिसके द्वारा वो भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर रोजगार आसानी से प्राप्त कर सके। ठीक है, ये एक आर्थिक उद्देश्य के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, इसके बाद बताने का प्रयास करूँगा मैं राष्ट्रीय उद्देश्य। शिक्षा के राष्ट्रीय उद्देश्य, राष्ट्रीय उद्देश्य में देखिए बेटा क्या है, राष्ट्रीय उद्देश्य यानी अपने देश के लिए। शिक्षा अगर हम किसी बालक को प्रदान कर रहे हैं, शिक्षा पढ़ा लिखा कर बड़ा किया जा रहा है, तो उस बालक के अपने देश के प्रति भी कुछ कर्तव्य होते हैं। अपने देश के प्रति कर्तव्य क्या होते हैं कि वह अपना विकास करे, साथ ही साथ अपने देश का विकास भी करे। तो जब एक बालक ईमानदारी से अपने सभी कार्यों को पूर्ण करे, कहीं से कोई भी गलती ना करे, कोई बेईमानी ना करे, ठीक है, सारे कार्य सही तरह से करे, अपने देश की संस्कृति को, अपने देश की भाषा को, अपने देश के राष्ट्रीय ध्वज को, अपने देश की राष्ट्रीय संपदा को बिल्कुल नुकसान ना पहुंचाए, सबका आदर सम्मान करे, ठीक है, और अपना भी उसमें योगदान दे,
ठीक है, तो ऐसा छात्र आगे चलकर अपने राष्ट्र के विकास में भी सहायक होते हैं। ठीक, तो राष्ट्रीय उद्देश्य का कहने ये का मतलब यहाँ पर ये है कि शिक्षा प्रदान करने से या बालक को शिक्षा देने का एक मतलब ये भी होता है कि वो अपने राष्ट्र के विकास में सहायक हो सके। ठीक है ना, वो अपने राष्ट्र के विकास में सहायक हो सके, तो ये शिक्षा का राष्ट्रीय उद्देश्य की ओर इशारा करता है, या यही शिक्षा का राष्ट्रीय उद्देश्य भी कहा जा सकता है। ठीक है, इसके साथ साथ अन्य और भी कई आप बातें आपको अपनी पुस्तकों के माध्यम से पढ़ने के लिए मिलेंगी, आप पुस्तकों से भी पढ़िए, ऐसा मैं आपको सलाह दूंगा। ठीक है, BA फर्स्ट ईयर की मार्केट में जाके शिक्षा शास्त्र की किसी भी राइटर की पुस्तक आप ढूंढ लीजिए, आराम से मिल जाएगी आपको। ठीक है, और उससे पढ़ने का प्रयास करिए, लेक्चर के माध्यम से पढ़ने का प्रयास करिए, और साथ ही साथ नोट्स के माध्यम नोट्स को भी बनाते चलिए। ठीक है, तो आज हमने क्या डिस्कस किया, शिक्षा के उद्देश्य डिस्कस किया, जिसमें मैंने आपको 5 अलग अलग उद्देश्यों के बारे में बताया। ठीक है, तो ये आज की क्लास में मैं आपको यहीं तक रखूँगा, इन्हीं पॉइंट्स तक, कि आप इन्हें दोबारा से पढ़ें, दोबारा से सुने इस लेक्चर को, और फिर अपने बुक्स को भी पढ़िए, साथ साथ बुक्स को भी पढ़िए, क्योंकि देखिए ग्रेजुएशन में आप हैं, आप सिर्फ कक्षा में पढ़ाई हुई चीज़ों के माध्यम से ही अपना सब कुछ नहीं कंप्लीट कर सकते, आपको सेल्फ स्टडी भी करनी पड़ेगी, ये ध्यान रखिए। उसके लिए आप बुक्स को भी प्रेफर कर करिए, और साथ साथ लेक्चर के माध्यम से भी पढ़ने का प्रयास करिए। ठीक है, तो फिलहाल आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।